गाइज आपको मैं दिखाती हूँ अखरोट, ठीक है। पेड़ में ना ये ऐसे लगते हैं अखरोट, इसको ऐसे तोड़ते हैं। मैं खा रही हूँ ककड़ी, देखो छोटा वाला। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, एंड आई होप आप सभी बड़े होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग कर रही हूँ सुबह सुबह 5 बजे से स्टार्ट। पापा ने मेरे को जल्दी उठा लिया, वासु तो जल्दी उठ गए थे, मेरे को भी जल्दी उठा लिया था। सो गाइज, यार कितना मस्त, ठंडा भी हो रहा है लेकिन मस्त तो वाइब आ रही है, और धूप ना ऊपर डाने डाने में यार बर्फ भी पड़ने लग गए, और थोड़ी सी गला भी ख़राब है। और मैं पता है जब से आई हूँ एक ही कपड़े में, मोटा वाला मैंने नाइट सूट पहना हुआ है उसी में हूँ यार। धूप कैसे आ रही है ऊपर, वहाँ देखो ये सोया, देखो ऊपर वो जहाँ पे धूप है ना वहीं सुंदुम है, और ये नीचे ये तीजम है। अखरोट पेड़ है, मतलब ये जगह का नाम है। और यहाँ पे मम्मी ना बर्तन धो रही है। मम्मी हाय कर दे। हाय हाय। ये मेरी मम्मी है, और वासु और पापा ना बैठे हुए हैं आग सेक रहे। मम्मी ने ना हमारे लिए इतना अखरोट सुखाया है, अपने लिए भी और हमारे लिए। ये वो वाला अखरोट है, और ये वाला आलू पक्का के सुखाया हुआ है। ये है तिमूर, और ये हमारे अखरोट के पेड़, मतलब बहुत पहले मेरी दादाजी ने बोया था, वही अखरोट का पेड़ है। और ये पापा ने बोया था या हमने बोया था, आई डोंट नो, ये इसका पता नहीं है। आंगन में ना मम्मी ने वो ककड़ी भी बोया हुआ है, उधर साइड में बोया हुआ है राई। ये देखो छोटी छोटी ककड़ी भी लगी, देखो छोटी छोटी ककड़ी, ये देखो छोटी छोटी ककड़ी। गाँव का घर ये है, ये देखो कुछ इस टाइप से, देखो अंदर ना ऐसा है। एक कमरे में है सीमेंट से, एक सीमेंट वाला रूम है, और दो मिट्टी वाला, मिट्टी वाला उसके मतलब इधर उधर मिट्टी लगाया हुआ, क्योंकि मिट्टी गांव में ना मिट्टी होने से बहुत गर्म होता है। गर्म जब मैं थी ना यहाँ पे, मेरे अखरोट के पेड़ ना छोटे थे, वो इतने बड़े हो गए अखरोट के पेड़, और इतना अखरोट देती हैं वो, ये देखो इतना अखरोट देती हैं, इतना ज़्यादा। जब से ना यहाँ आई, 2 दिन लाइट नहीं थी, उसके बाद इतनी लाइट है, एकदम फ़ोन चार्ज कर रहा है मस्त। मेरा ना हाथ पैर काला भी होने लग गया, क्योंकि मेरे को 3-4 दिन में हाथ काले हो जाते मेरे यार। तो आज हम जा रहे अपने दीदी के घर। मैं यहाँ 2 दिन बैठ गई, वहाँ मामा लोगों के यहाँ बैठी नहीं, मिल के आई बस। सो अभी हम जा रहे हैं दीदी के घर, देखेंगे जग्गू क्या बोलता है, आज जा भी सकते नहीं जा सकते। ये हमारे पानी का धार है, इसको बोलते हैं बांसी, बांस का पेड़ है। जब हमने बोया था पॉपुलर का पेड़ इतना बड़ा हो गया मस्त, मैं पूरा घर दिखाऊंगी। मम्मी ने कंबल वगैरह भी धोया हुआ है, सब पूरा दिखाऊंगी, यहाँ से पहाड़ भी दिखाऊंगी आप लोगों को। हमने यहाँ के ब्रश भी नहीं किया, आज तो ब्रश भी करते हैं अच्छे से मस्त। हम सुंदर नहीं जाएंगे तो अखरोट भी ढूंढेंगे, तो ऐसे ऐसे करके। ये देखो ऐसे बैठे, वाह। ये मम्मी, हमारा बाहर वाला किचन है, एक अंदर वाला किचन है। तो बाहर वाले किचन में ना धुआं नहीं होता, अंदर वाले किचन में ना बहुत धुआं होता है। मम्मी बना रही है रोटी, और चाय बना के पी लिया, मैंने नहीं पिया, मैं अभी गर्म पानी पीऊँगी फिर पीऊँगी। राई, और ये मूली, ये धनिया, और देखो ककड़ी, ये वाला ककड़ी नहीं हुआ है। और ये हमारा मंदिर है ऊपर में, ये करेला, और ये है दर जाने का रास्ता। ओ नीचे सोबला है, ये आलपोखरी का पेड़ है, ऊपर से पहाड़, त्यूर देखो कितना बड़ा दिखता है। हमारे घर के ऊपर तो पहाड़ ही पहाड़ है, त्यूर मस्त। इस मम्मी ना हमारे नाश्ता बना रही है, और इतना क्यूट क्यूट रोटी बनाती है ना। ये देखो मम्मी कितना क्यूट रोटी बना रही है, मम्मी दिखा, ये कितना मस्त रोटी बना रही है। इस मम्मी ना हमारे नाश्ता बना रही है मस्त। जब से हम यहाँ आए ना, हमको लगा मम्मी तो कैसे करेगी, लेकिन इतना अच्छा खाना बनाया मम्मी ने। बहुत सारे लोगों ने मक्के दिए, ऊपर क्या अखरोट खाए, अखरोट तो हमारे पास में इतने सारे। गाइस आपको मैं दिखाती हूँ अखरोट, ठीक है। पेड़ में ना ये ऐसे लगते हैं अखरोट, इसको ऐसे तोड़ते हैं। अखरोट टूट गया, मैं इसको अभी फोड़ूंगी, ठीक है। अखरोट कैसे निकलता है ये देखो, ये निकले अखरोट, निकल गया अखरोट। ये देखो इसके दाने, इसके अंदर से होता है गुद्दी, गुद्दी एक्चुअली दिमाग को बोलते हैं, दिमाग की तरह इसका शेप होता है, इसलिए इसको गुद्दी बोलते हैं। तो इसको फोड़ के भी दिखाते, चलो आ जाओ। तब तक हम दूसरा अखरोट है, इसको ऐसे फोड़ते हैं, दांत से भी फोड़ते हैं। अभी कच्चे है बताए, देखो अभी इनको सुखाएंगे ना तब पकेंगे। ये देखो ये गुद्दी है, अभी वो दिमाग की तरह शेप होता है, तो टेस्ट ऐसे बनाएंगे, ऐसा होता है यहाँ अखरोट। ये देखो दांत ही अखरोट इतने होते हैं लोगों के, आप मारते हैं अखरोट के लिए, मारते हैं। ये छापरे से रोटी निकाल रही है ये लड़की, घी के साथ इतना सारा घी। ये देखो एक्सरसाइज भी उतना ही हो जाएगा वैसे हमारा, ऊपर नीचे जाने में तो यहाँ पच जाता है। रोटी और घी नहीं खाया तो क्या खाया, सब्जी तो हम बाजार में भी खाते हैं। हाँ यहाँ पच जाता है, तो इतना घी, ये कड़क कड़क रोटियां, एंड ये मेरी बीवी, ये किरू। मैं खा रही हूँ ककड़ी, देखो छोटा वाला, मजा आया।
पकड़े हैं हमारा आलू पैक हो रहा है देखो मम्मी मेरे लिए आलू पैक कर दे दो मैं खा रही हूँ सब्जी और सूजी मम्मी ने बनाया सब्जी रोटी और सूजी मैंने रोटी खा लिया पहले घी के साथ और मैं ये तो खाऊंगी अभी चलो गाइस एक बार करते नाश्ता हमारे घर में आलू और छिमाई होता है ज्यादा और ककड़ी आलू लाने के लिए इसे बांध टाइम करूँ पता है ये टाइम आलू निकलूंगी अभी हम आए नीचे वाले धारे में हमारे दो धारे हैं तो सबसे पहले धारा जब यहाँ पे कुछ बना नहीं था जब पानी का लाइन वगैरह नहीं बिछा हुआ था कभी बंद नहीं था चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडे के टाइम पे दोनों सीजन पापा के जमाने से भी यहाँ पे पानी हमेशा रहता है तो यहाँ पे पूजा भी करते हैं पापा लोग तो वासु ने बोला नीचे वाला धारा दिखा तो हम यहाँ पे ना पानी पीने आ गए तो पानी पी रहे हैं और हम मिठाई का डब्बा लेके आए यहाँ पे से पानी निकलता है यहाँ पे से अभी ये जंगल के कपड़े हैं कल भैया जंगल से आए थे तो रात को यहीं खोल के रखा होगा पहले हम यहीं पे नहाते थे और ये छोटा पापा इतना छोटा पौधा लेके आए थे इतना बड़ा हो गया इतना ज़्यादा देखो लकड़ियाँ तो इसकी इतनी ज़्यादा हो गई पूरा बूढ़ी बूढ़ा है और वासु यहाँ उधर दिख रहे हैं मस्त और मस्त यहाँ पे ना ज़्यादातर अखरोट आड़ू पेड़ पौधे ही ज़्यादा है आंगन में सब पेड़ पौधे बूढ़ी बूढ़ हो रखे हैं बहुत ज़्यादा तो यार मिठाई भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं ठंडा ठंडा पानी मस्त मस्त पानी मम्मी और मैं जाएंगे नीचे भाभी लोगों से मिलने जाएंगे वहाँ से दाँथी अखरोट भी लेके आएंगे वरना बकरियों के साथ गए थे कल रात को भैया थे आज सुबह के टाइम पे पापा गए हैं तो उन बकरियों को सबको पका दिया है मेरे पापा कैसे आ रहे थे यहाँ तो दिख ही नहीं रहे मेरे पापा कहाँ है जूम कर दिया अभी भी नहीं दिख रहे मैं 3x में करूँगी ना मस्त दिखेंगे पापा दिख रहा 3x में करती हूँ देखना अब मैं वैसे दिखाऊंगी तो इतने दूर है पापा दिखेंगे भी नहीं दूर कैमरे से तो गाइस हम आ चुके हैं नीचे भाभी लोगों से मिलके तो उन्होंने थोड़ा सा अखरोट और राजमा दिया तो मम्मी हमारा सामान पैक कर रही है एक कट्ठा तो पूरा हो गया अब कौन ले जाएगा पता नहीं एक कट्ठा आलू तो थोड़ा तो भैया ले गया थोड़ा सा हमें लेके जाना है तो मम्मी तैयार कर रही है ये है ये इसमें हमने सब चीज़ डाला है ऐसा नहीं कि ये राजमा ही है इसमें ज़्यादा राजमा नहीं है क्योंकि यहाँ पे राजमा हमारे गांव में ना राजमा कम मिलता है तो इसमें थोड़े थोड़े सामान है मेरे को मामा लोगों ने थाली दिया था तो थाली वगैरह भी इसमें ही है सब जो मेरे को सामान मिला था मैंने सब इसमें डाल के सिल के फिर मम्मी सिलेगी फिर कल पहुँचाएँगे तीजम मैं मैगी बनाऊँगी फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे फिर देखते फिर सुंदुम चलते हैं आज सो गाइस हम लेके आए 5 मैगी फाइनली बड़े मुश्किल से आग जलाया हमने और बड़े मुश्किल से नहीं मैंने जलाया आग हाँ वासु ने बड़ी मुश्किल से जलाया और कैसे आग जलाई देखो जल भी नहीं रही है और हमने मैगी और अच्छी तलाऊंगा मैं आग बुझने नहीं दूंगा फाइनली यार मैगी भी थोड़ा बहुत बनी गई उबल जाएगी तो खा लेंगे मैगी खाने के बाद मिलते हैं आपको